नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चैम्बासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। हूल दिवस के मौके पर चाईबासा विधायक दीपक बिरवा ने सदर प्रखंड के कमार हाथू में लाइब्रेरी भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। विधायक दीपक बिरवा और मुखिया जुलियाना देवगन ने नारियल फोड़ कर एवं शिलापट का आवरण कर योजना का शिलान्यास किया। विधायक निधि से झालकों के देख रेख में निर्माण किया जाएगा। विधायक ने संवेदक को जल्द निर्माण कार्य आरंभ करने का निर्देश दिया। कमार हाथू के बुद्धिजीवियों ने उम्मीद जताई कि मशकल लाइब्रेरी के स्थापना दिवस 15 नवंबर तक भवन निर्माण पूर्ण हो जाएगा। कमार हाथू में मशलक लाइब्रेरी फिलहाल आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित है। इसका उद्घाटन विधायक दीपक बिरवा ने किया था, उसी दौरान लाइब्रेरी भवन बनवाने की घोषणा की थी। रोटरी क्लब के सत्र 2022-2023 का आज समापन हो गया। सत्र के अंतिम दिन अपने क्लब ने दो नए कार्यक्रम किए। एक ओर वयस्क शिक्षा की कक्षाएं प्रारंभ की गई, वहीं दूसरी ओर उत्क्रमित उच्च विद्यालय नरसंडा में हैंड वॉशिंग स्टेशन और जल संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अध्यक्ष रितेश मुंद्रा ने बताया कि ग्राम गंजड़ा में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जो प्रतिदिन प्रातः संचालित होगा। वहीं दूसरी ओर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में हैंड वॉशिंग स्टेशन जल संरक्षण के साथ पूर्व से निर्मित बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग शौचालय में जल आपूर्ति की व्यवस्था भी कराई गई। हेमंत सरकार द्वारा डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई पुनः चालू करवाने के फैसले का युवा कांग्रेस ने स्वागत किया है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रीतम वांकिरा ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला राज्य के छात्रों के हित में और ऐतिहासिक है। सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होंगे, विद्यार्थियों का भविष्य खराब नहीं होगा। आपको बता दें कि डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद कराने के सरकार के निर्णय के बाद युवा कांग्रेस ने काफी विरोध जताया था, आंदोलन की चेतावनी दी थी। इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई थी, वो कल जेक अध्यक्ष, जेक सचिव और माननीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एक बैठक में उन्होंने ये फैसला किया कि जितने भी डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद हो गई थी वो पुनः से चालू कर दी जाएगी और पहले की तरह ही सभी डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई होती रहेगी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि युवा कांग्रेस कमेटी पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा हम लोगों ने 13 जून को जब डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद कर दी गई और छात्र इधर उधर भटक रहे थे, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा था, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग किया था कि पुनः बंद डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई चालू कर दी जाए। उसके बाद दिनांक 20 तारीख को हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल जी को एक पत्र भी लिखा कि पहले स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही डिग्री कॉलेजों से इंटर की पढ़ाई बंद करी जाए। तो हम सभी जैसा कि आज के अखबार पत्रों में देख रहे हैं कि पुनः डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई शुरू कर दी गई है, तो इससे छात्रहित और संवेदनशील होने का परिचय हमारे राज्य के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया। आया आया नीलम शुभ्र स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। आया आया नीलम शुभ्र स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस, डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है।
30 मई से शुरू हुआ अभियान आज संपन्न हो गया। अभियान के आखिरी दिन पूर्व मंत्री बड़कुवर गगराई, पूर्व विधायक जवाहरलाल वांड्रा, महिला नेत्री गीता बालमुच्चू, वरिष्ठ नेता अनूप कुमार सुल्तानिया और जिला महामंत्री प्रताप कटियार के साथ भाजपा के लोगों ने चाईबासा शहर में गाजा बाजा के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों से संबंधित पत्रक का वितरण लोगों के बीच किया गया। पूर्व मंत्री बड़कुवर गगराई ने कहा कि एक महीने में पार्टी के लोगों ने हर बूथ तक जाकर लोगों से मिलने और जानकारी को साझा करने का काम किया है। मोदी सरकार के कार्यों को बताने के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए भी लोगों को प्रेरित किया गया है। उन्होंने कहा कि अभियान के आखिरी दिन आज चाईबासा शहर के लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से मिशन 2024 के लिए काफी कुछ समझने का मौका मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व में जो 30 मई से लेकर के 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम पूरे पश्चिम सिंहभूम में बहुत अच्छी तरह से कार्यकर्ताओं नेताओं ने मिल करके काम किया और जन जन तक हर बूथ स्तर तक पहुंचने का काम किया। और आज अंतिम दिन है तो हम लोग चाईबासा शहर हमारा एक मुख्यालय है, कमिश्नर मुख्यालय भी है, जिला मुख्यालय भी है। इसी नाते सारे लोग, सारे हमारे नेता कार्यकर्ता से मिल करके आज घर घर में अपील करने के लिए आए कि मोदी जी के शासन 9 साल के शासनकाल में जो काम हुआ, जो कल्याणकारी योजना का काम हुआ, आम जनता के लिए, देश के लिए काम किया, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हम दिन दिन हम सभी लगे हैं। सभी कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं और सबको अपील कर रहे हैं, जो लिपलेट आया उसको भी हम लोग वितरण कर रहे हैं। आप लोग एक महीना घूमे हैं, क्या पश्चिमी सिंहभूम में क्या धरातल परिस्थिति दिखी? धरातल में निश्चित रूप से संगठन हमारा बूथ स्तर तक है और संगठन के कार्यकर्ताओं ने निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारा मिशन 2024 है, ये कार्यक्रम एक महीना में चला, उससे हम लोग को आकलन नहीं है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारा 2024 मिशन 2024 मोदी जी का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। और जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, एक संसद निश्चित रूप से यहाँ से हम लोग भेजेंगे, ये संकल्प कार्यकर्ता ने लिया है, आम जनता भी लिया है। इसको पढ़ने के बाद मोदी जी के जो कार्यकाल में 9 साल कार्यकाल में काम हुआ, जानकारी देने का काम, तो जानकारी लिया भी लोग, लेने के बाद सारे लोग मोदी जी की तरफ सारे लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। टुंगी प्रखंड के रायकमन गांव में हेमब्रम स्पोर्टिंग क्लब की ओर से आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल के मौके पर विधायक नीरल पूर्ति पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर शुभकामनाएं दी। फाइनल प्रतियोगिता में FC काकुईता की टीम ने साइनिंग स्टार कुमरम को 2 गोल से हरा कर खिताब पर कब्जा जमा लिया। विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार जर्सी और खस्सी प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि झारखंड सरकार युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद कर रही है। जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खेलने के लिए मंच प्रदान किया जा रहा है। खेल शिक्षकों की नियुक्ति इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुशासित तरीके से लक्ष्य बनाकर खेलने की अपील की ताकि खेल के जरिए आगे बढ़ने का मौका मिले। चाईबासा शहर के नीमडी मोहल्ला निवासी 1997 बैच के IAS ऑफिसर रविंद्र कुमार अग्रवाल केरला सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। चाईबासा के लिए यह गौरव की बात है। रविंद्र कुमार अग्रवाल चाईबासा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल के छोटे भाई हैं। सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ के बैठक में चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा को सर्वसम्मति से मुख्य संरक्षक चुन लिया गया है। संघ की बैठक अध्यक्ष नितिन प्रकाश की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आगामी 16 जुलाई को खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए समारोह आयोजित करने का निर्णय लिया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के राजनीति दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा आज हुल दिवस पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांग्रेस भवन में कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा हुल दिवस के अवसर पर वीर सपूतों के त्याग और बलिदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। उनके संघर्ष से प्रेरणा लेते हुए झारखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया गया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से हुल दिवस के मौके पर सद्धाल हुल के नायक वीर शहीद सिंधु कानू, चांद भैरो और फूलो झानो सहित अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंडों तक हुल दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से करायल केला मंडल के हुंडा गंदा गांव में
हूल दिवस मनाया गया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान चलाते हुए लोगों से भाजपा का समर्थन करने की अपील की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से DPS स्कूल में हूल दिवस मनाया गया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हुए समृद्ध और विकसित झारखंड बनाने का संकल्प लिया। महिला कॉलेज में हूल दिवस के मौके पर रैली निकाली गई। महिला कॉलेज से रैली निकलकर पोस्ट ऑफिस चौक, कोर्ट रोड, जैन मार्केट चौक होते हुए वापस लौट गई। कॉलेज की छात्राओं ने वीर शहीद सिंधु कानू की तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने भाभी की हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। आनंदपुर थाना क्षेत्र के पतियार गंजू टोला निवासी सुकरा गगराई के खिलाफ 18 नवंबर 2020 को हत्या का मामला दर्ज किया गया था। उसके द्वारा 17 नवंबर 2020 की रात अपनी भाभी मार्गरेट गगराई की डांगी से मारकर हत्या कर दी गई थी। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।